ये एक आदमी सरदार के वेश में आया था और ये सीबीआई का आई कार्ड जो है अपने गले में लगाया हुआ था, उस पर नाम जितेंद्र कुमार लिखा हुआ था और इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिस पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी लिखा हुआ था और इसमें वाटर मार्क भी लगा हुआ था। तो हमारे थाने के लोगों ने, थाने पर ही आया था पहले पुलिस बल मांगने के लिए, एक व्यापारी के घर सर्च करने के लिए, जिसमें हमारे कर्मचारियों ने उसको देखा परखा, उससे आई कार्ड वगैरह मांगा तो ये कुछ हिचकिचाने लगा, उनमें थोड़ा उनको शंका भी हुआ। बट चूँकि ये ऐसा प्रकरण था, सीबीआई का नाम इसमें इन्वॉल्व था, हमारे कर्मचारियों को लगा कि कहीं ऐसा ना बड़ा मैटर हो जाए, तो इसके साथ दो सिपाही लगा दिए गए थे और उनको ये निर्देशित किया गया था कि घर के अंदर कोई सामान ये छूने ना पाए, कोई ले जाने ना पाए, अगर ऐसा करें तत्काल हम सबको सूचित करेंगे। इसी को देखते हुए जब ये घर में गया तो वहाँ पर लोगों ने इससे और पूछताछ शुरू कर दी, वहाँ के घर के लोगों को शक हो गया, आसपास के मोहल्ले वाले भी आ गए, फिर उन लोगों ने आगे जा कर के भी और तमाम लोगों से पूछताछ की तो पता चला ये फर्जी सीबीआई डायरेक्टर बन के आया, डिप्टी कमिश्नर बन के आया हुआ है, जिसको उन्होंने थाने को सुपुर्द किया, इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या मिला है सर इसके पास से? इसके पास से ये इसकी आई कार्ड मिला हुआ है, इसके पास पेपर स्कैन मिले हुए हैं जिसमें फर्जी सर्च वारंट का आदेश ले आया हुआ है कमिश्नर से, और भी इसमें और डॉक्यूमेंट इसके पास है। इस तरह से वेश भी बदला हुआ था? हाँ, इसने जो सरदार का वेश बदला हुआ था, दाढ़ी मूछ फर्जी लगाई हुई थी, ये लोकल आदमी है। सर बताया जा रहा है उसी जगह काम करता था, नौकरी करता था? हाँ, ये अभी पूछताछ में भी जानकारी मिली है कि जिनके घर ये फर्जी सीबीआई बन के गया था उन्हीं के घर में पहले ये नौकर रह चुका था, इसीलिए इसने अपना वेश बदल लिया था। किस तरह की कार्रवाई सर इसके खिलाफ जो है 419-20 और 6871 के मुकदमे लिखे जा रहे हैं और इसके खिलाफ जो है पुलिस की तरफ से भी मुकदमा लिखा जाएगा डार्क में रख करके कार्रवाई कराने का। कितने लोग हैं सर? अभी तो इसके साथ दो, इसका साथ ही एक और पकड़ा गया, दो ही लोग पकड़े गए, इसमें पूछताछ की जा रही है, हो सकता है इस ग्रेव बड़ा हो, इसमें और लोग भी शामिल हों।